गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त कामे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी होममेड स्किन व्हाइटनिंग लाइटनिंग एंटी एजिंग क्रीम जो कि आपकी स्किन से रिंकल्स फाइन लाइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आपकी स्किन को ही टू शेड लाइट ब्राइट करेगा, आपकी स्किन से जो टैनिंग की प्रॉब्लम है उसे भी रिमूव करेगा, आपकी स्किन से ड्राइनेस को दूर करेगा, आपकी स्किन को ये लाइट ब्राइट बनाएगा, आपकी स्किन को यूथफुल यंग ग्लासी स्किन बनाएगा, बढ़ते उम्र के लक्षण को ये रोकेगा, आपकी स्किन से हाइपर पिगमेंटेशन ब्लेमिश स्कार्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आपकी स्किन से झुर्रियां झाइयां कालापन दाग धब्बे को रिमूव करेगा, डार्क सर्कल को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को टू शेड लाइट ब्राइट करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग चमकदार ग्लास स्किन बनाएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी इस क्रीम को कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपकी स्किन को ये लाइट ब्राइट बनाएगा। तो ये क्रीम काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने ट्राई किया है, मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये क्रीम शेयर किया जाए। आइए देख लेते हैं इस क्रीम को बनाने कैसे है। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाने के लिए। तो वीडियो को जल्दी से फटाफट कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस क्रीम को बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक पोटैटो लेना है, यानी कि हमें यहाँ पे एक आलू लेना है, उसे अच्छे से धुल लेना है, अच्छे से साफ कर लेना है, ग्रेटर की हेल्प से उसे ग्रेट कर लेना है। हमें इसका जूस लेना है 3 चम्मच। आलू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक एसिड पाया जाता है जो कि हमारी स्किन को लाइटन ब्राइटन करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन से दाग धब्बे को ही रिमूव करता है। साथ ही साथ इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि हमारी स्किन की रंगत को निखारता है। अब इसके बाद हमें लेना है एक टमाटर, उसे भी ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेना है, उसका भी हमें 2 चम्मच जूस लेना है। टमाटर में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, साथ ही फाइबर पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है जो कि हमारी स्किन से डार्कनेस को दूर करता है, दाग धब्बे को रिमूव करता है, टैनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हमारी स्किन को लाइटन ब्राइटन करता है। अब इसके बाद हमें लेना है, अगर आपकी स्किन को टमाटर नहीं सूट करता है तो इसकी जी आप क्या लेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अब हम लेंगे यहाँ पे 2 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं, प्लांट वाला भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। एलोवेरा जेल में मल्टी विटामिन पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन को ग्लोइंग चमकदार ग्लास स्किन बनाता है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब हमें लेना है यहाँ पे एक विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप यहाँ पे 2 विटामिन ई का कैप्सूल लेंगे। अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है तो इसकी जगह आप बादाम का तेल ले सकते हैं, रोगन बादाम ऑयल जो स्किन के लिए आता है वो ले सकते हैं। विटामिन ई का कैप्सूल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारी स्किन को ग्लोइंग चमकदार बनाता है, हमारी स्किन को रिपेयर करता है, डेड सेल्स के लेयर को ये बाहर निकालता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग चमकदार बनाता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे लेना है 1 चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल हमारी स्किन को टोन करता है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को मिनिमाइज करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है। ऑयली स्किन वालों के लिए गुलाब जल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको टमाटर का रस सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह खीरे का जूस ले सकते हैं, और वो भी अगर नहीं सूट करता है तो आप इस 1/2 चम्मच नींबू का रस ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। हमारी क्रीम बन के हो चुकी है पूरी तरह से रेडी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इस क्रीम को अपने फेस पे आपको लगाना कैसे है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सके। इस क्रीम को आप डे और नाइट दोनों में लगा सकते हैं। जब भी आपको इस क्रीम को लगाना है सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से साफ कर लेना है, अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद इस क्रीम को आपको लगाना है। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से अपने फेस पर मसाज करनी है, उसके बाद इस क्रीम को लगा के सो जाना है। आपको इसे बाहर लगा के नहीं जाना है, घर पे ही रहना है, तभी आपको इसे इस क्रीम को लगाना है। आप इस क्रीम को 7 डेज लगा के देखिए, आपकी स्किन से पिगमेंटेशन ब्लेमिश स्कार्स की प्रॉब्लम, दाग धब्बे की प्रॉब्लम, डार्क सर्कल है जहाँ पे आपको वहाँ पे भी अच्छे से लगाना है। देखिए आप इसे लगा के 7 दिन तक आपकी स्किन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपकी स्किन को लाइट ब्राइट ग्लोइंग स्मूथ सॉफ्ट बनाएगा, हाइड्रेट करेगा। इस क्रीम को आप 7 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ गया है, तो अगर आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो आप इसे फ्रिज में ही स्टोर करके रखें, ज़्यादा ना बनाएं, 1 वीक तक ही 7 डेज के लिए ही बनाएं और यूज करें। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो
मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही मेरी वीडियो स्ट्राइक करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।